स्टार्ट करते हैं अब डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है आपका मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है, फिजिक्स में भी यूज होता है, तो इसको आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका जो फिजिक्स है उसका जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है वो भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जैसे डिफरेंशिएशन है उसका सबसे पहले मीनिंग क्या होता है ना, मीनिंग क्या होता है हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई पूछेगा कि मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसको एक नाम और दिया जाता है डेरिवेटिव्स, मतलब डिफरेंशिएशन को ही हम लोग डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब सबसे पहले समझिए आप, स्लोप समझते हो, स्लोप क्या होता है, स्लोप अच्छा तिरछी लाइन, अच्छी चीज है तिरछी लाइन, ज्यादा लाइन इंक्लाइन होता रहेगा तो स्लोप बढ़ते रहेगा। अब इस स्लोप को मैथमेटिक्स में ऐसे डिफाइन किया गया, समझिएगा बात को, ठीक है ना। क्या किया गया कि जैसे मान लीजिए इस लाइन का स्लोप निकालना है तो आप क्या करो, ये एक स्ट्रेट लाइन है मान के चलिए, इसका स्लोप निकालना है तो आप क्या करो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनाओ अपने मन से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम अपने से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनाएंगे तो हम यहाँ एरो देंगे और यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ है ना उस इंटरसेक्शन से हम बोलेंगे कि उस वाला डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाएगा, और यहाँ से इधर वाला जो डायरेक्शन होगा मतलब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो गया और इससे वो राइट साइड को बोलेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और यहाँ से वो लेफ्ट होगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। भले ही उस क्वेश्चन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं और हो, जैसे ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये भी पॉजिटिव ही नजर आएगा, आएगा ना। लेकिन इधर नहीं देखना है, हम बोले हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन देखना है एक्स एक्सिस का और एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन देखना है। तो आपको यहाँ जहाँ हमारा लाइन इंटरसेक्ट किया है वहाँ से खड़ा होके देखना है कि इधर जा रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन का दिशा बता रहे हैं, और यहाँ से अगर इधर जा रहे हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन का दिशा बता रहे हैं। मतलब यही से आप कहोगे कि इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस का है, उधर वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है, इतना पहले समझिए। उसके बाद क्या किया गया कि ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल, मान लीजिए थीटा आया है तो उस थीटा का जब आप टैन लोगे, तो वही होता है आपका स्लोप, जिसको मैथमेटिक्स में ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो स्लोप, ग्रेडियंट, टैन थीटा एक ही चीज है, बस खास क्या है कि ये थीटा को समझना है, सब टैन थीटा नहीं, कोई भी लाइन का स्लोप निकालना है कि इसका लाइन का स्लोप क्या है, तो इस लाइन का स्लोप के लिए आप उसको एक क्रॉस करो, कहीं भी क्रॉस कर सकते हो, यहाँ भी क्रॉस कर सकते हो। क्या तुमको लग रहा है कि यहाँ का थीटा बदल जाएगा, लाइन को ऐसे कर दो कहीं भी लाइन खींचो, ये थीटा बदलेगा, ये सारे लाइन पैरेलल्स हैं तो पैरेलल लाइंस में ये एंगल क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो सब बराबर होंगे। तो उस लाइन पे कहीं भी एक लाइन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बना दो और जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ से राइट साइड को बोलो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल का जब टैन लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड स्लोप। क्या स्लोप क्लियर हो गया। अब बताओ एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। जैसे हम कहीं भी स्लोप निकाले, एक यहां भी टेन थीटा वही आएगा, ये यहां भी टेन थीटा वही आएगा,
तो मैथमेटिक्स में वो टैन थीटा निकालने का क्या तरीका है? ऐसे, ये तो समझ गए तुम। मैथमेटिक्स में क्या होगा तुमको कि उस लाइन का दो कोऑर्डिनेट दिया होगा, मान लो ये वाला एक कोऑर्डिनेट दिया होगा और ये कोऑर्डिनेट दिया होगा, मान लो ये इसका कोऑर्डिनेट, मान लो ये ए पॉइंट मान रहे हो, तो इसको मान लो x1 y1 मान लिए हो, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका मान लो ये बी नंबर पॉइंट है तुम्हारा, ये x2 y2 मान लिए हो, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम पूछेंगे कि इसका स्लोप क्या, मान लो थीटा है, स्लोप थीटा नहीं, स्लोप एंगल थीटा है, स्लोप एंगल थीटा है, तो इसका टैन थीटा हमारा क्या होगा अगर दो पॉइंट दे दिया है तो? अब तुम खुद सोचो कि अगर दो पॉइंट दे दिया तो उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दो गो पॉइंट अगर हमको मिल जाएगा तो डायरेक्शन यूनिक हो गया। अब यहां से क्या करो कि एक ट्रायंगल बनाओ ऐसे, ये एक परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉप कर दो इस पे 90 डिग्री, यहां से इस पे कर दो। अब हम पूछेंगे कि ये वाला अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। अब जरा बताओ टेन थीटा अगर हम बोले कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो। तो यहाँ ए पॉइंट के लिए अगर ए पॉइंट पे आना है तो ओरिजिन से ही चलोगे, तो ओरिजिन से यहाँ की दूरी कितनी है? एक्स वन है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वन है। बोलो, थोड़ा सा बढ़िया फिगर बना देते हैं, ठीक ना, मिटा के। चलिए, तो हम यहाँ पे बोले कि ये जो थीटा होगा वही ये थीटा होगा। अब अगर इसका टैन थीटा निकालना है मान के चलिए, तो हम लिखते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा बराबर, तो इस थीटा के लिए ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा ये वाला लेंथ, मान लीजिए ए मान लिए हैं इसको, इसको बी मान लिए हैं, इसको सी मान लीजिए, तो हमको बी सी का लेंथ निकालना पड़ेगा ना। तो बी सी का लेंथ किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है? तो आप ओरिजिन से अगर बी पे चलें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो वाई टू कहलाएगी, और ओरिजिन से अगर यहाँ तक चलें तो ये डिस्टेंस आपका वाई वन कहलाएगा, तो ये वाई वन है तो ये भी वाई वन ही होगा, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वाई टू माइनस वाई वन। और अगर ये डिस्टेंस की बात किया जाए तो ओरिजिन से ये पॉइंट एक्स टू दूरी पे है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? एक्स टू होगा, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वन, तो यहाँ ये x1 होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप याद रखिएगा इस तरह से भी, एक तो आप समझ सकते हैं, और एक ऐसे याद रखिए कि जो पॉइंट दिया रहता है ना उसका पहला एंट्री x एक्सिस के अलोंग चलने बताता है और दूसरा एंट्री y एक्सिस के अलोंग चलने बताता है। तो अगर ये पहला एंट्री अगर x1 है तो मतलब ये ओरिजिन से ये x1 चले हैं, चलना हमेशा ओरिजिन से होता है, ये x1 हुआ। और अगर B पॉइंट के देखें तो ओरिजिन से अगर यहाँ पे पहुँचना है तो आप पहला एंट्री को देख रहे हैं तो ऊपर मत देखिएगा, पहला एंट्री के लिए आप x एक्सिस के अलोंग चलिए, यहाँ पे तो x2 चले हैं, तो ये पूरा x2, ये x1, तो ये दूरी x2 माइनस x1। फिर अगर y की दूरी की बात हो रही है तो y में अब अगर चलना है सेकेंड एंट्री को देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट मत जाइएगा, सेकेंड पहला एंट्री y1 है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है y में ओरिजिन से इतनी ऊपर है ना, यहाँ तक। और अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये इतना ऊपर है, तो हम यही वाला डिस्टेंस वहाँ पूछ रहे हैं, ये वाला तुम्हारा, तो ओरिजिन से ये दूरी y2 है और ये y1 है तो घटा देंगे, तो यहाँ से tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप बदलता नहीं है, लेकिन जरा देखो अगर कर्व कुछ इस तरह से हो जाए, मान के चलो इस तरह से कर्व हो जाए, अब हम पूछें कि मान लो ये ए एक पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, अब स्लोप बताओ, तो स्लोप बताने के लिए तो तुमको लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तो जब लाइन ज्वाइन करोगे तो ये जो एक ट्रायंगल बनेगा इसमें ये जो थीटा बनेगा वो कहाँ का स्लोप देगा? वो इस लाइन का ना स्लोप देगा? बोलो। तो क्या बताओ कि अगर हम बोलें कि इसका स्लोप यहाँ, फिर अगर मान लो हम ए को बी के तरफ कर रहे हैं मान के चलो, या बी को ए के तरफ यहाँ मान लो कर दिए, तो अब इस पॉइंट को चाहे यहाँ पे कर दिए, तो जरा सोचो तो कि अब लाइन का स्लोप बदला कि नहीं बदला?
फिर बी को और करीब लेके आ गए, मान लो बी डबल डैश कर दिए, तो इसको इसको मिलाएंगे तो स्लोप बदला कि नहीं? इसका मतलब जैसे जैसे ये बी पॉइंट ए के तरफ आएगा ये स्लोप बदलेगा, बदलेगा ना? तो ये जो स्लोप होता है कर्विकल लाइन के लिए, जो कर्व लाइन होता है उसके हर एक पॉइंट पे वो बदलता है, बदलता है। अब क्या होता है यहाँ पे कि पूरी तरह से हम क्या करते हैं कि बी पॉइंट को इतना करीब कर देते हैं कि वो ए पे आ जाए, इतना करीब कर देते हैं कि वो ए पे आ जाए। तो यही जो कॉर्ड बन रहा था, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट है, यही मीनिंग है एक्चुअल में। ये जो ए और बी पॉइंट था ये एक कॉर्ड था पहले, ये कर्व मान रहे हो तो कर्व के दो, जैसे एक सर्कल होता है तो सर्कल में ऐसे काट दिए तो इसको क्या बोलते हो तुम, कॉर्ड बोलते हो कि नहीं? इसको कॉर्ड बोलते हो ना, ये वाला लाइन को, ए बी लाइन को, इसको आर्क बोलते हो। ए बी के ऊपर अगर ऐसे लगा देते हो तो उसको आर्क बोलते हो, और ए बी सीधे ऐसे रहता है तो लाइन माना जाता है, तो ए बी एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड का स्लोप है। लेकिन हमको इस कर्व के इस पॉइंट का मतलब स्लोप चाहिए, तो इस पॉइंट का अगर स्लोप चाहिए तो यहाँ पे हमको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा और उस टेंजेंट का हम स्लोप निकालेंगे। बात समझ में आया? तो अब जरा बताओ कि जब तक ये कॉर्ड रहेगा क्या हमको इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा कि इस कॉर्ड का स्लोप मिलेगा? कॉर्ड का मिलेगा। अगर समझना ध्यान से, अगर मान लो ये पी पॉइंट है और पी पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए, ये कर्व था मेरा, ये पी पॉइंट पे मान लो हमको स्लोप चाहिए, है ना, पी पॉइंट पे मान लो हमको स्लोप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी को कर्व के ऊपर ए के तरफ लाएंगे, कर्व के ऊपर से ए के तरफ लाएंगे। तो मान लो बी पहले यहाँ पे था, अब बी यहाँ आ गया, तो स्लोप जो है इसके करीब आया। अब अगर B को पूरी तरह से और इधर करे और करीब आया, जब B पूरी तरह से A पर आ जाएगा, चाहे P पे निकाल रहे हैं तो P पे अगर आ जाएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पे यही समझना है हमको कि एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट को अगर हम उसके ऊपर लाने लगे तो वही कॉर्ड की जो टेंडेंसी होगी टेंजेंट बनने की हो जाएगी। एक पॉइंट को अगर मान लो हमको, अगर इस पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए ए पॉइंट पे, तो बी पॉइंट को क्या करो तुम, धीरे 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 खींचते हुए किस पे ला दो, ए पे ला दो। तो जैसे ही तुम ए पे अगर बी को ला दोगे तो वो एक टच करता हुआ लाइन दिखाई देगा और वो हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट। तो उस समय फार्मूला तो मान लो ये हमारा है कितना x2y2 है और ये है हमारा x1y1। तो जब हम tan थीटा लिखेंगे तो सबसे पहले तो y2 माइनस y1 ही लिखेंगे और x2 माइनस x1। अब जरा हमें बताओ कि जब ये पॉइंट इधर की तरफ घूम आ रहा था तो जो इसकी डिस्टेंस थी पहले वही रह जाएगी कि ये घटते घटते जीरो हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे जब करीब आओगे तो वो घटने लगेगा ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? अब वो डिस्टेंस जब घटने लगेगा तो वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा कर्विकल बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये एक टेंजेंट था मान लो और ये एक मान लो टेंजेंट था ऐसे, तो जब ये वाला पॉइंट था तो हमारा ट्रेंगल ये बना था, जब ये वाला पॉइंट होगा तो हमारा ट्रेंगल ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे जो y2 माइनस y1 है पहले बड़ा था, अब जो y2 माइनस y1 है वो घटा कि नहीं घटा? तो इसका मतलब जैसे जैसे आप B पॉइंट को कर्व के अलोंग A के तरफ लाने का कोशिश करोगे ये y2 माइनस y1 घटते जाएगा और x2 माइनस x1 भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो उसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं dy/dx। क्या बोलते हैं? dy/dx। dy का मतलब y में एलिमेंट्री चेंज,
डी एक्स का मतलब एक्स में एलिमेंट्री चेंज, मतलब बहुत ही थोड़ा 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 बहुत ही कम स्मॉल चेंज। तो जब बी को पूरी तरह से आप ए पे पूरी तरह से नहीं लाना है, ए को थोड़ा सा छोड़ना है, इतना छोड़ना है, इतना छोड़ना है कि बहुत कम माना जाए, बहुत 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 कम, तभी तो टेन थीटा लिखोगे ना, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होगा। बात समझ रहे हो? तो जब x2 माइनस x1 बहुत ही छोटा होगा तो वो टेंडिंग टू जीरो की तरफ होगा, उसी इंस्टेंस को हम लोग dy by dx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dy by dx। क्या ये बात समझ में आया? मतलब आपको मोटा मोटी यही समझना है कि dy by dx क्या होता है, किसी कर्व के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट, कोई कर्व दिया रहता है उसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, याद रहेगा? उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेन थीटा से, अच्छा है डीवाई बाई डी एक्स से, डीवाई बाई डी एक्स से, ठीक है। अब जरा आप हमें बताओ, तो ये तो रहा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको लिमिट का पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप लिमिट नहीं पढ़े रहोगे तो अगर डेरिवेटिव्स को समझना है तो आप उसको समझ नहीं सकते हो। मीनिंग समझ सकते हो कि होता है क्या है वास्तव में, और फार्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। तो अभी हम लोग लिमिट नहीं पढ़े हैं, तो लिमिट अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला से काम करेंगे, उतना सही हमारा काम हो जाता है। जो लिमिट एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना होता है वो नहीं सीख पाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस को हम लोग सीख सकते हैं, तो उसकी अभी आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हो? मतलब अभी हमको बस उतना ही सीखना है जो फिजिक्स में यूज होगा, मैथमेटिक्स में यूज होगा। जब हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, लिमिट स्टार्ट करेंगे, तो लिमिट जब पढ़ लेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हम लोग डिफरेंशिएशन निकालने सीखेंगे। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है तो आपको फार्मूलाज वगैरह याद करना पड़ेगा। जैसे हम बोले कि आपको बुक पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर के से क, के ए का, ये सब पढ़ना पड़ेगा, के आई की, के डबल ई छोटी की। तो उसी तरह से आप इस चीज़ को रटते हैं और तब जो जाके आप बुक को पढ़ने सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप डिफरेंशिएशन का बिना फार्मूला जाने हुए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। कहाँ से आया फार्मूला, क्यों हुआ फार्मूला, इसका सारा प्रूफ दिया जाएगा जब हम लोग लिमिट को पढ़ लेंगे। अभी जो है आप फार्मूला याद रखिए और डायरेक्ट काम करिए। जैसे आप, हम बोलेंगे कि एट नाइन जा कितना होता है, 72। क्या अभी कभी आपने पूछा कि एट नाइन जा 72 क्यों होता है? बचपन में आपने जानने का कोशिश किया, नहीं किया? आप जानते हैं कि आपको एट नाइन जा बताया गया याद करने के लिए 72, आपने याद कर लिया, आप काम कर रहे हैं, फार्मूला से आप क्वेश्चन बना रहे हैं। उसी तरह डिफरेंशिएशन भी है, आपको फार्मूला याद रख के काम करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग लिमिट पढ़ेंगे वैसे ही अब ये चीज़ भी समझ में आने लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन अगर आपको अगर टेबल नहीं आए तो आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं मल्टीपल का। उसी तरह से डिफरेंशिएशन के फार्मूला के बिना आप नहीं काम कर सकते हो। तो बस इतना समझो कि आपको पहले फार्मूला याद रखना पड़ेगा और होता क्या है ये आपको समझा ही दिए कि आपको क्या होगा कि y एज अ फंक्शन ऑफ x कुछ दिया हुआ होगा, दिया हुआ होगा। अगर इसका बोलेगा कि फाइंड डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, फाइंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y दिया हुआ है मतलब y का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिखा जाता है। डी वाई बाई डी एक्स को कैसे पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, आई से मत पढ़ देना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, आई से नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कैसे रीड करते हैं जी? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप डिफरेंशिएशन के जगह पे डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखते कैसे हैं? डी वाई बाई डी एक्स, याद रहेगा? अब अगर याद रहेगा तो हम आपके पास बहुत सारा फंक्शन देंगे और उस फंक्शंस को आपके डिफरेंशिएशन को याद करना पड़ेगा, तो आप लोग फार्मूला फटाफट लिखेंगे, इसको प्रिंट कर लीजिए। अब चलिए सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को देखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें हम कह सकते हैं कि पॉलीनोमियल फंक्शन आएगा, क्या आएगा? पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल जो फंक्शन है हमारा, मान लीजिए आपके सामने y बराबर x टू दी पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो जो dy वाई बाई डी एक्स होगा x टू दी पावर n का, याद रहे ये n है और ये x है आपका, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y, आ यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, है ना? x का पावर n का क्या होता है? n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। क्यों हुआ इस सब का जवाब हम लोग सीखेंगे जब लिमिट पढ़ लेंगे तब। अब जरा बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि y बराबर, मान लीजिए कि आपका x का पावर 5 है और dy वाई बाई डी एक्स बताओ, क्या होगा? क्या है? n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, तो यहाँ n क्या है? 5, तो 5 बाहर हो जाएगा और x का पावर 5 माइनस वन, तो 5 इंटू एक्स का पावर 4, याद रहेगा? अब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं, y बराबर x का पावर 3, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस वन, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। समझ में आया? तो आप लोग बोलिए, एक डिफरेंशिएशन हम दे रहे हैं, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस टेन, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर माइनस टेन क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे अगर y बराबर तुम्हारा x का पावर माइनस टेन है तो फार्मूला dy वाई बाई डी एक्स का आप देखो क्या है, पहले n है तो n को बाहर कर लिए, फिर x का पावर n माइनस वन, तो n है माइनस टेन, ये n है आपका, आप माइनस वन करना है, यानी माइनस टेन इंटू एक्स का पावर माइनस इलेवन। क्या हम लोग इस माइनस इलेवन को नीचे भेज सकते हैं? तो x का पावर क्या हो जाएगा? इलेवन, क्योंकि x का पावर माइनस इलेवन डिनोमिनेटर में जाएगा तो x का पावर प्लस इलेवन बनेगा। समझ में आया? अब अगर हम आपसे पूछें कि y बराबर आपका रूट अंडर x है, इसका डिफरेंशिएशन आप हमें बताएं, y बराबर रूट अंडर x का, बोलिए। कितना आएगा? सबसे पहले मैथमेटिक्स को एक्सपोनेंट वाला कहानी समझिए, रूट अंडर एक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमें? एक्स का पावर वन बाई टू होता है। यहाँ पे जो टू छुपा रहता है, इस एक्स के जो पावर होता है उसके डिवाइड में चला जाता है, समझे बात को?
तो अगर हम इसका बोले कि x का पावर 1 बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन बताओ, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, n बाहर होता है सबसे पहले, तो 1 बाई 2 बाहर, फिर x का पावर n माइनस 1 यानी कि 1 बाई 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 बाई 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 ना हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 1 बाई 2 है वो नीचे जाएगा तो प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 और x का पावर 1 बाई 2 नीचे प्लस में। अब ये x का पावर 1 बाई 2 को नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x लिख सकते हैं। तो आप इसको दूसरे नंबर फार्मूला की तरह भी याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा आता है, ज़्यादा आता है मतलब एक फार्मूला तो आप ये याद रखिए कि y बराबर x का पावर n बराबर dy बाई dx बराबर n इंटू x का पावर n माइनस 1। एक अगर y बराबर अगर आपको रूट अंडर x दिया दे दिया जाए तो आप क्या याद रखिएगा, dy बाई dx बराबर डायरेक्ट जो आया रिजल्ट है, क्या रिजल्ट आया है आपका, वन बाई टू रूट अंडर एक्स याद रहेगा, डायरेक्ट याद रखिए रूट अंडर एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। ये टेबल है आपका, ए बी सी डी है आपका, इसको नहीं पढ़िएगा, इसको नहीं याद करिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। तो ये समझ लीजिए कि आपका टेबल की तरह है, जैसे आप बचपन में याद किए थे उसको याद रखिए। अब देखिए एक और चीज़ याद रखना पड़ता है, ज़्यादा अकरिंग होता है, वो होता है आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन बाई एक्स। डिफ्रेंसिएशन मतलब y बराबर आपको 1 बाई एक्स दिया रहेगा और पूछेगा कि dy बाई dx क्या होगा, आप वहाँ पे निकालिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, जरा बताइए सबसे पहले कि y बराबर 1 बाई एक्स को हम लोग x का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूला से n बाहर होता है तो n बाहर हो गया, फिर x का पावर आपका होता है n माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 हुआ, फिर माइनस 2 को हम नीचे ले जा सकते हैं, तो हो गया ना प्रूफ। तो अलजेब्रिक फार्मूला में आप ये तीन फार्मूला याद रखिएगा अच्छे से, अगर x का पावर ये दोनों नहीं भी याद रहेगा, ये याद रहेगा तो ये डेराइव कर दिया जा सकता है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमको ये तीनों याद रखना पड़ता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, 1 बाई टू रूट एक्स और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या होगा आपका, y बराबर साइन एक्स। तो अगर हम पूछे कि y बराबर साइन एक्स का dy बाई dx क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, क्योंकि y तो साइन एक्स के बराबर है, तो हम y के जगह पे क्या पढ़ सकते हैं, साइन एक्स पढ़ सकते हैं कि नहीं, आप इसको पढ़ते हैं ना dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x आता है आपका cos x, ये याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला y बराबर आपका cos x है, इसका जो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x आता है वो आता है माइनस साइन x। सबका जवाब मिलेगा आपको, पहले आप इसको याद कर रखिए, सबका जवाब आपको मिल जाएगा। तीसरा, मैथमेटिक्स में ही इसका जवाब मिलता है, फिजिक्स वाले सर से पूछोगे तो इसका जवाब में नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे सर मैथ वाले बता देंगे, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर आ जाओ टेन एक्स पे, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ये जो y और टेन एक्स दोनों लिख रहे हैं, चलो पहले इसको तो लिख ही देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स समझना है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये होता है सेक स्क्वायर x।
अब अगर हम डायरेक्ट बोलें चौथा नंबर फॉर्मूला में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? ये होता है आपका माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से मान लो पांचवा फॉर्मूला हम बोले डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। याद रहे ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये बहुत मायने रखता है, आगे चल के बताएंगे। आगे चल के मतलब अभी पता चल जाएगा आपको, कुछ आगे बढ़ेंगे तब। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एकदम रटा हुआ होना चाहिए जबान पे, जैसे टेबल आप याद रखते हो एकदम उसी तरह से। अब आ जाओ छः नंबर फार्मूला पे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बचा हुआ है कॉस एक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है आपका माइनस कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स होता है याद रहे, कॉस नहीं कॉट, सी ओ टी, और ये कॉस एक, और माइनस भी बाहर होता है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंट कर लीजिए जल्दी से। देखो अलजेब्रिक में एक ठो और याद रखना पड़ता है, जो अलजेब्रिक अभी पढ़े वो, कि डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स मतलब कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे सी एक्स लिखा हो या के एक्स लिखा हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं के। डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स क्या हो जाता है? के। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं तो क्या हो जाता है? वन। यहाँ से तो ऐसे भी लग रहा है कि कट जाएगा, मतलब हमको हम बोल दिए कि वाई एज अ फंक्शन ऑफ के एक्स है या वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही है, इसका ही डिफरेंशिएशन बताओ। तो आपका के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? के। और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वन। जानना है क्यों होगा? बोलो। तो जानना है तो जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा y बराबर क्या है? y बराबर k इंटू एक्स है, इसी का ना डिफरेंशिएशन जानना है हमको। तो सुनो ध्यान से, k तो कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट नंबर है, नंबर का कोई, अच्छा एक बात बताओ, इससे भी पहले अगर हम तुमसे बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब y बराबर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? जानते हो? जीरो होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। इसको दो तरीका से प्रूफ कर सकते हो, इसको दो तरीका से तुम प्रूफ कर सकते हो। कैसे? एक तो आप देख लो कि वाई बराबर जो के होता है, मतलब वाई बराबर टेन की तरह बात हो रही है, वाई बराबर फाइव की बात हो रही है, वाई बराबर माइनस सेवन की बात हो रही है ना। अब जरा सोचो कि ये जब ग्राफ बनाओगे y बराबर 10 का, y बराबर 5 का, y बराबर 7 का, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। आपको मालूम है ना कि y बराबर 2 जो होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस बनता है, क्योंकि हमेशा y जो है वो दो यूनिट रहेगा, ठीक है। y बराबर माइनस 10 हो गया, वो नीचे बनेगा ओरिजिन से, बस चाहे जो भी हो, y बराबर माइनस 5 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, होगा ना? बोलो। अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो स्लोप क्या हुआ? स्लोप तो मैथमेटिक्स में हम समझे ना अभी, मीनिंग ऑफ स्लोप में, कि जो टैन थीटा होता है वही होता है। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसका स्लोप तो जीरो ना होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना पाएगा? जीरो डिग्री बनाएगा। वाई बराबर जो टू लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर वाई बराबर टू को हम लाइन एक्स पे ही खींच के लेके आ जाएं तो कोई दिक्कत है? उसका स्लोप तो वही रहेगा ना। बात को नहीं समझ रहे हो तुम? अगर जरा बताओ, ये लाइन है ना, इसका स्लोप ये होगा ना। अब इस लाइन को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ला दे तो क्या इसका स्लोप बदल जाएगा? इस लाइन को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ला दिए, इसका स्लोप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना।
तो अगर हम मान लो जो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो वो लाइन अगर जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के उसको अगर हम खींच के एक्स एक्सिस पे ही ला दें, पैरेलल खींचे हैं, तो वो एक्स एक्सिस के साथ क्या डिग्री एंगल बनाएगा? जीरो डिग्री। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? और ऐसे भी समझ सकते हो, एक लड़की बताई कि स्लोप का मतलब होता है तिरछा लाइन। तो तिरछा लाइन है, जितना ही अधिक तिरछा होगा उतना ही स्लोप ज़्यादा होता है। तो अगर एकदम फ्लैट हो गया तो स्लोप तो बिल्कुल ही नहीं ना है। तो जो y बराबर कांस्टेंट लाइन होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब वो फ्लैट होता है सीधा, तो उसका स्लोप जीरो होगा। समझ में आया बात? तो ये बात याद रखना कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका स्लोप जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दे दे, वो x से अगर कोई मतलब नहीं रख रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। एक तो ये हुआ, और अभी अभी के डेफिनेशन के अनुसार ये तो हम क्या बोले, ग्राफिकली आपको समझाए। अब ग्राफिकली नहीं समझना है तो आप इसको ऐसे लिख लो, k को लिख लो k इंटू वन, लिख सकते हैं, और वन को लिख लो तुम क्या, k इंटू एक्स का पावर जीरो। एक्स का पावर जीरो लिख लोगे तो तुम्हारा वन आ जाएगा ना। अब जरा देखो डिफरेंशिएशन करके, तो k तो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर जीरो विथ रिस्पेक्ट टू x, अब x का पावर जीरो का डिफरेंशिएशन के लिए x का पावर n वाला फॉर्मूला याद रखो कि x का पावर n होता था तो क्या होता था, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। तो k तो बाहर है, और x का पावर जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स का पावर जीरो माइनस वन। तो k इंटू जीरो, ये हो जाएगा x का पावर माइनस वन। तो जीरो से गुना होगा तो कहानी जीरो में ना मिल जाएगा, इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप इसको याद रखिए, बेहतर है, समझने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप समझ लिए भी तो बहुत अच्छा है, नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। और एक डिफरेंशिएशन हम आपको दिए थे, ये डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स दिए थे, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं था, एक्स का मल्टीपल था उसमें। तो फिर से भाई के इंटू, हम बोले थे इसका आंसर के होगा, क्यों बोले थे, तो देखो आप क्या कर लो, वाई बराबर के एक्स था, उसको क्या लिख लो, वाई बराबर के इंटू एक्स का पावर वन। के एक्स को हम के एक्स वन लिख सकते हैं। अब ये तो के बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, डी वाई बाई डी एक्स में, अब कांस्टेंट है ना, बाहर हो जाएगा। अब x का पावर 1 है तो x का पावर n का फार्मूला से क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, तो n बाहर, और फिर x का जो पावर है वो 1 माइनस वन। तो जरा देखो तो 1 k इंटू एक्स का पावर आएगा 0। अब x का पावर 0 को 0 मत लिख देना, x का पावर 0 1 ना होगा, तो इसीलिए के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, के हो जाएगा, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटा के, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला आपको कल क्लास में याद होना चाहिए, नहीं तो आगे का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए y बराबर log ऑफ x है, और बेस आपका मान लीजिए a है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब dy वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा आपका 1 बाई एक्स इंटू एल एन ए, 1 बाई एक्स इंटू एल एन ए। अब एल एन को समझ लो, जरा एल एन को जरा समझ लो, एल एन जो है 1 बाई एक्स इंटू एल एन, ये एल एन को लॉग लिख सकते हैं, और ए और बेस ई, मतलब जो एल एन लिखाता है ना वो बेस ई पे रहता है। कोई भी अगर तुमको एल एन कहीं नजर आए तो समझ लेना कि वो लॉग बेस किस पे है, ई पे है।
अब बेस क्या होता है उसको समझो। लॉग अगर पढ़े होगे तो समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ सकते हो। लॉग ऑफ एक्स यहाँ रहता है, यहाँ मान लो ए रहता है, तो इस एक्स को आर्गुमेंट बोलते हैं और इस ए को बेस बोलते हैं। तो अगर कहीं ln दिखाई दे ऐसे ln x, तो क्या समझना है कि log x लिखा हुआ है लेकिन किस बेस पे लिखा गया है, e बेस पे, याद रहेगा ये बात, बोलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले हम log x टू द बेस a दिए थे, अब हम log ऑफ x टू द बेस क्या दे रहे हैं, e दे रहे हैं। तो ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, याद रहे, ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। कैसे होता है, याद तो रखना ही है, आप समझ भी लो। सबसे पहले तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ln x को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया, ln x को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x टू द बेस e लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बोलो। प्रिंट करो, वैसे हमको समझाना चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट आपको रटवा देना चाहिए, लेकिन फिर भी समझ लो, समझना चाहते हो तो। अभी हम लिखवाए हैं कि log ऑफ x टू द बेस a का डिफ्रेंसिएशन 1/x और ln a हुआ है। ln a हुआ है मतलब ये जो बेस था ना वही आर्गुमेंट बन गया ना, ये जो बेस था वही ना आर्गुमेंट बन गया। अब बेस क्या हो गया अब इस log का, बेस e हो गया, क्योंकि ln का बेस क्या होता है, e होता है। तो अगर पहले से ही हम ln x का डिफ्रेंसिएशन पूछे x के रिस्पेक्ट में, तो इस log का बेस क्या छुपा हुआ है, ln अगर लिखे हुए हैं तो e बेस छुपा हुआ है ना। अब हम पूछेंगे कि log x का डिफ्रेंसिएशन बताओ, तो अब इस फार्मूला से log ऑफ x टू द बेस a के डिफ्रेंसिएशन से हम क्या फार्मूला याद किए हुए हैं, ये याद किए हुए हैं 1/x इंटू ln a। तो अब बोलेंगे कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले 1/x तो लिख ही लो, 1/x लिखने के बाद ln लिख लो और सोचो कि ये a कहाँ था। तो ये जो a है इस log का बेस है ना, बोलो। तो उसमें जो है पहले ही log का बेस जो है वो क्या है, e है ना, तो यहाँ e हो जाएगा ना, बोलो। अब जरा समझो बात को, कि अगर तुम नहीं समझते हो तो जो समझता है वो समझ गया होगा कि ln e 1 हो जाएगा, जो लोग नहीं समझते वो समझे। अगर log में हमारा बेस और आर्गुमेंट दोनों अगर सेम हो जाता है तो वो 1 हो जाता है। किसी भी log में बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाएगा तो वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर तुम ln e लिखे हो, तो अभी बताए हैं कि ln x लिखा गया है, तो log ऑफ x किस बेस पे लिखा गया है, e पे। तो अगर तुम ln e लिखे हो तो ये e तो आर्गुमेंट का काम कर रहा है जैसे x आर्गुमेंट का काम कर रहा है। अगर हम पूछेंगे कि इस ln का बेस क्या है तो e बोलोगे ना, इस ln का आर्गुमेंट ना है e। जैसे हम बोलेंगे कि ये a जो है इस log का बेस है कि आर्गुमेंट, क्योंकि बेस तो e है। तो अब यही a जो है वो e हो चुका है, इसका मतलब ये log का बेस क्या हो चुका है, e हो चुका है ना। तो अगर बेस e हो चुका है तो दोनों e हो जाएगा, तो ln e। तो log में ये प्रॉपर्टी है कि ये दोनों अगर सेम हो जाता है तो 1 हो जाता है, तो वो 1 हो गया, इसीलिए इसका फार्मूला आपका 1/x हो जाता है, याद रहेगा।
तो अगर इतना टिम टाम आपको नहीं याद रखना है, लॉगारिथमिक है ना, पढ़ेंगे जब हम लोग तो समझ जाएंगे कि क्यों होता है। टिम टाम ज़्यादा नहीं याद करना है याद, तो बस इतना याद रखो कि log ऑफ x टू द बेस a रहेगा, मतलब बेस e के अलावा अगर रहेगा तो उसका फार्मूला होगा 1 बाई एक्स इंटू ln a। और इस ln को मन में समझे रहो कि ऐसा ये log है जिसका बेस e है, जो कि यहाँ लिख के भी है 1 बाई एक्स है, ये log के लिए हम लिखे हैं कि log ऑफ a या बेस हमारा e है। और अगर हम केवल log x लिखें, ln x लिखें जिसका बेस e हो, तो उसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट 1 बाई एक्स होता है। बस ये दोनों याद रखो, याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक ना, इसको प्रिंट कर लीजिए पहले। चलिए, तो अब हम बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चन बनाना है, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या याद रखा है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस अगर ए रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स और नीचे में ln a, ये आर्गुमेंट में हो जाएगा। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ केवल ln x रहे विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो हो जाता है 1 बाई एक्स। दो फार्मूला हमको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, हम बोलेंगे कि आपको y बराबर log ऑफ टू द बेस 10 टू द बेस 10 और x दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए। क्या होगा, बोलो, log x टू द बेस a का क्या हुआ है, 1 बाई एक्स एल एन है, तो ये वहां a के जगह पे बस 10 है, तो 1 बाई एक्स इंटू एल एन 10 हो जाएगा, होगा। अब y बराबर मान लो log ऑफ, यहाँ पे मान लो हम 20 दे दिए और बेस आर्गुमेंट हम दे दिए x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू एल एन 20। कोई दिक्कत है, अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y बराबर अगर a का पावर x रहे और डिफ्रेंसिएशन करना हो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है a का पावर x इंटू एल एन ए, ये क्या होता है, a का पावर x इंटू एल एन ए, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए पहला नंबर फार्मूला हो गया कि अगर ये रहेगा तब, मैंने a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, a का पावर x पहले लिख देंगे जो होगा वही, और एल एन ए लिख देंगे। अब दूसरा नंबर फार्मूला अगर हम पूछें कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ e का पावर x क्या होगा, मतलब a के जगह पे e बोल दिए, तो a का पावर x का पहले तो a का पावर x ही लिखेंगे, मतलब e का पावर x ही लिखेंगे, और फिर ln ये जो बेस था वो इसका आर्गुमेंट बन गया ln का, तो अब हमारा जो e है वो ln e बन जाएगा। इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, e का पावर x, क्योंकि अभी अभी बताया है कि ये log ऐसा होता है जिसका बेस e होता है, और log का बेस आर्गुमेंट सेम हो जाता है तो 1 हो जाता है, मतलब e का पावर x का डिफ्रेंसिएशन e का पावर x ही होता है, माने जो है वही होगा, याद रहेगा। तो इसको प्रिंट कर लीजिए, ठीक ना, लाइट जला लेते हैं, दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया किस फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब जैसे हम पूछेंगे कि मान लीजिए 5 का पावर x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, क्या होगा जी, पहले जो है वही लिख देंगे और फिर ln 5 लिख देंगे, a का पावर x का a का पावर x ही लिखेंगे, फिर ln a बोलेंगे, समझ में आया। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 10 टू द पावर x इंटू एल एन 10। अब e का पावर x का तो e का पावर x ही होगा, उसमें तो दिक्कत है नहीं, ठीक है।
अब एक बचा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इसमें दिया रहेगा वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो क्लास ट्वेल्थ में है। इनवर्स फंक्शन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो क्लास ट्वेल्थ में है, लेकिन डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है आपका, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, याद रहे वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये तो हुआ पहला। दूसरा फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें और इसमें अंतर नहीं होता, बस माइनस का अंतर होता है, बस माइनस और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बस। अब तीसरा नंबर फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगला आ जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है ये, इसमें भी कोई अंतर नहीं होता है, जो टेन इनवर्स का फॉर्मूला है उसमें माइनस लगा दो बस। अब है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है वन बाई मॉड एक्स, वन बाई मॉड एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और लास्ट फार्मूला है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका होता है माइनस वन बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। बस याद रहे एक याद रखना है, एक ठो में माइनस लगा देना है, ठीक है ना। तो ये आपका छः फार्मूला इसमें भी हो गया, चार पाँच छः, इसको एकदम याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये इसको याद किए बिना आपका काम नहीं हो सकता है, ठीक ना। बोलिए, अब सुनिए ध्यान से हमारी बात को, डिफरेंशिएशन का इतना फार्मूला अगर याद कर लीजिएगा, उसके बाद जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में एक है चेन रूल, चेन रूल जब हम लोग पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। फार्मूला तो याद रहना ही चाहिए, उसके बाद फार्मूला के बाद एक है बस चेन रूल, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा तो पूरा डिफरेंशिएशन आप बना सकते हैं। तो चेन रूल जो है वो 5 से 10 मिनट का है, अभी पढ़ा देते हैं, उसको समझ लीजिए। अब देखिए ये लिखा हुआ है चेन रूल, चेन रूल का मतलब देखिए, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन दिया रहेगा ऐसे, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन दिया है, सबसे पहले तो छोटा छोटा कर लो, छोटा छोटा कर लो फिर आप समझ लेना। जैसे मान लो हमको 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3 तो बाहर रहेगा, कॉन्स्टेंट है, याद रखिएगा k इंटू डिफरेंशिएशन मतलब k ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना हो हमको, तो हम k को बाहर कर लेते हैं और केवल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी तरह से 3 बाहर हो जाएगा और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम फार्मूला से कैसे करेंगे, 3 × x^3 − 1 यानी कि 3 × 3 9 हो जाएगा और ये x^2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात। अब हम बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² + 3x³ + 7x + 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो सबसे पहले ये भी एक रूल है समझ लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स रहेगा, अगर मैंने दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो तुमको कुछ नहीं करना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो फिर प्लस लिख दो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस
डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस करते, मतलब कि जोड़ घटाव पे जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेपरेट हो सकता है, मतलब कि हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जोड़ है तो जोड़ और घटाव है तो घटाव लिख सकते हैं। तो आप बताएं कि हम अगर 5x² का डिफ्रेंशिएशन पूछें तो सबसे पहले 5x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 5 बाहर और x² का 2x हो जाएगा, प्लस 3x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 बाहर और x³ का डिफ्रेंशिएशन 3 × x² होगा, 7x का डिफ्रेंशिएशन 7 हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था ना के एक्स का के होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यानी कि 5 × 10x प्लस 3 × 9 x² और प्लस 7, क्या ये बात समझ में आया, बोलो एक बार, कुछ नहीं समझना अगर फार्मूला याद है तो, 5 बाहर x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 बाहर x² - 1, तो 2 - 1 तो 1 ही ना होगा। अब फिर देखो x³ था तो 3 तो पहले से बाहर था, आ x³ था तो 3 बाहर आ गया और x³ - 1 2 हो गया, समझे, और 7x है तो उसको तो 7 डायरेक्ट याद रखते हैं, तो ये हो गया 5 × 10 आ x² 1, फिर 9 × 3 = 9x² + 7, समझ में आया, तो ये आसान है, ये हमको समझ में आता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें और ये क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² या फिर x² + या x³ लिख देते हैं, मान लीजिए x³ लिख देते हैं और 5 × 10 लिख देते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो क्या इसको ऑपरेट कर पाइएगा, x³ + 5 को ऑपरेट कर पाइएगा, बोलिए, इसका 10 बार गुना करना है आपको, कर सकते हैं, साहस है आपके अंदर, नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको क्या समझना है, चैन रूल से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट किस रूल से करेंगे, चैन रूल से, क्या है चैन रूल देखिएगा, आप समझिएगा कोशिश करिएगा, इसको आप अगर ये x³ + 5 के जगह पे x होता, ध्यान से सुनिए, x³ + 5 के जगह पे अगर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करते आप, क्या करते आप, 10 × x² - 1 करते कि नहीं करते, करते ना, अब जो x है, जो कैपिटल x माने हो आप, वो क्या है आपका, x³ + 5 है, तो इसको आप माने हुए हो कैपिटल x, वो था थोड़ी, तो सबसे पहले इसको मान लो कि ये कैपिटल x है, तो 10 × x² - 1 हो गया। अब आओ अंदर, पहले पावर दिखा, पावर का कर ली, अब अंदर दिखा x³ + 5, तो x³ + 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो तो जानते हैं, x³ + 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो जानते हैं कि नहीं, वो हो जाएगा तुम्हारा 3 बाहर और x³ का डिफरेंशिएशन x² और 5 का डिफरेंशिएशन 0 और कैपिटल x का नाम लिखना पड़ेगा आपको जो माने थे आप, तो वो x³ है और प्लस 5 है और ये पावर 9 हो जाएगा और ये 3x², क्या ये बात समझ में आया, 10 × 30 x² और यहाँ x³ + 5 9, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं, आया समझ में, एक क्वेश्चन करो, एक आध दो क्वेश्चन और करो, जैसे डिफरेंशिएशन अब हम मान लो ले दिए x² + 5 + x³
प्लस एक्स स्क्वायर आ इसका होल पावर मान लो 5 कर दिए और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले ये जो पावर 5 है ना, इसको आपको समझ लेना है कि ये कैपिटल एक्स की तरह है। तो अगर ये एक्स की तरह होता तो आप क्या कर लिखते, 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1 लिखते कि नहीं लिखते, बोलो। तो इसको तुमको x की तरह ही समझना है, तो x की तरह ही समझोगे तो 5 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इसका पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये x तुम समझे थे, ये x थोड़ी था, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन अब करेंगे, माने पहले पावर का किए फिर अंदर आके करेंगे। तो x का पावर 5 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इनटू में, x का पावर 5 का क्या होगा 5x4 होगा, एक्स क्यूब का क्या होगा प्लस में 3x स्क्वायर होगा, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। ये हो गया डिफरेंशिएशन, क्या ये बात समझ में आया, बोलो। यही चेन रूल है आपका, सबसे पहले इसको आपको कुछ एक्स की तरह समझना है, पावर का करना है, पावर का करने के बाद फिर अंदर आएंगे उसका करेंगे। अब यही क्वेश्चन मान लो इस तरह से हो जाए, जैसे मान लो तुम्हारे सामने हम दे दें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x+5 है ना, ऐसे दे दें, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहे 3x स्क्वायर कर दे अंदर 3x² + 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे खड़ा होकर डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। तो जब साइन मिलेगा तो साइन का आर्गुमेंट अगर एक्स होता, सोचो साइन का अगर आर्गुमेंट एक्स होता मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगर साइन एक्स होता केवल, तो उसका डिफ्रेंशिएशन तुम क्या लिख देते, अभी अभी फार्मूला पढ़े हो, क्या लिख देते, देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ साइन के अंदर एक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही लिखेंगे। अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है तो साइन ऑफ 3x² + 5 का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3x² + 5, लेकिन अंदर जब जाएंगे साइन का किए तो ये हो गया, अंदर जाएंगे तो अभी 3x² और 5 बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, तो अब जो है आपको उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, मतलब 3x² + 5 का, तो वो कितना हो जाएगा आपका 3 बाहर है और एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यानी कितना हो जाएगा ये 3 × 6x, ये तो 0 हो चुका है, तो 6x बाहर कर लो और कॉस ऑफ 3x² + 5, क्या ये बात समझ में आया, बोलो। बस आपको प्रैक्टिस करना है। अब जरा थोड़ा सा उसको और बढ़ाते हैं, मान लो अब ये दे देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 3x² + 5x + 5 और इसका होल पावर 10 दे दिए, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं हम आपसे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो क्या मिलेगा, पहले पावर मिलेगा कि पहले ही अंदर घुस जाओगे, पावर मिलेगा। तो आप ऐसे समझो कि अगर ये अंदर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के एक्स होता तो एक्स का पावर 10 का क्या होता, 10 × x·10−1 होता, उसको उसी तरह से कर देंगे। पहले पावर मिला हमको, हम जब यहाँ आगे की ओर बढ़ रहे थे तो वो हो जाएगा हमारा कितना 10 × x·10−1, तो x के जगह पे जो है वही ना लिखेंगे, तो x के जगह पे हमारा है साइन ऑफ 3x² + 5x + 5 इसका होल पावर
दस माइनस वन, फिर अब पावर का हो गया, अब अंदर घुसे तो कौन मिला, साइन मिला। तो जब साइन मिला तो साइन के अंदर बहुत बड़ा चीज नजर आ रहा था, तो हम ऐसे सोचेंगे कि साइन के अंदर अगर एक्स होता तो क्या होता, कॉस एक्स। साइन के अंदर अगर केवल एक्स होता तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता, कॉस एक्स। तो साइन के अंदर अगर ये है तो बस जैसे एक्स होता तो कॉस एक्स होता, तो ये है तो वही होगा, सही है जी। मतलब ये डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वही, वही मतलब ये 3x² + 5x + 5। अब देखो साइन के अंदर आए, साइन के अंदर आए, अभी और किसके अंदर जाना होगा, साइन के आर्गुमेंट के अंदर, एक्स थोड़ी था आपका, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, मतलब 3x² + 5x + 5 का। तो 3x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3 बाहर सब इनटू में होगा, याद रहे यहाँ पे हम इनटू लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है यहाँ पे लिखते हैं, ये 3 बाहर, x² का क्या होगा 2x, 2x² - 1 होगा ना, 5x का डायरेक्ट 5 और कांस्टेंट का 0, समझ गए। अब आप आंसर यही छोड़ सकते हैं या थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यही चेन रूल है। अब जो चेन रूल का प्रूफ है कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है वो हम अगले क्लास में करेंगे, प्रूफ ऑफ चेन रूल। लेकिन आपका होमवर्क हो गया, माने ऐसा क्यों होता है कि बारी बारी से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाता है, इसको प्रूफ अगले क्लास में करेंगे। आप क्वेश्चन आप बना सकते हो डिफ्रेंशिएशन का कोई भी। हाँ एक और चीज़ बाकी है, इनटू वाला बहुत सी देख लो, तो थोड़ा सा फार्मूला है एक तो बस। देखिए अभी हम लोगों ने बस एक एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया था जिसमें कॉन्स्टेंट का गुना होता था, वो अलग बात है। लेकिन अगर दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक साथ हो जाए, ऐसे साइन एक्स और मान लीजिए लॉग एक्स, साइन एक्स हो गया और लॉग एक्स हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, या वाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट में अगर फंक्शन हो तो जब डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे एडिशन में ब्रेक कर दिए थे कि डिफ्रेंशिएशन अब दो फंक्शन हो तो पहले बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसी तरह से प्रोडक्ट में आप कर दोगे ऐसा संभव नहीं है। जोड़ में तो तुम बोले थे ना कि एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट अलग कर देंगे, आज जी एक्स को डिफ्रेंशिएट अलग कर देंगे, बोले थे ना। तो प्लस माइनस को डिफ्रेंशिएशन पे ऑपरेट कर सकते हो लेकिन मल्टीप्लाई पे नहीं करोगे, मल्टीप्लाई पे फार्मूला होगा। तो मान लो एक यू फंक्शन है और एक बी फंक्शन है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है और एक्स, ये भी यू भी एक्स के फंक्शन में ही है और बी भी एक्स के फंक्शन में ही है, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। जो पहले मिला यू मिला तो यू को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यू को क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि डी यू बाई डी एक्स, और जो भी है वो एज इट इज लिख देंगे, भी को क्या कर देंगे एज इट इज उतार देंगे, फिर प्लस, तब बोलेगा ना कि भी भाई हम क्या बिगाड़े हैं, हमको भी डिफ्रेंशिएट करो। तो एक बार यू को करेंगे और एक बार भी के करेंगे, माने डी भी बाई डी एक्स, इस समय हम किसको बाहर रखेंगे यू को, किसको बाहर रखेंगे यू को। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हमको कैसे करना होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, सेकेंड फंक्शन को इनटू में लिख देंगे, फिर सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख देंगे, याद रहेगा, बोलो। ये फार्मूला है आपका, कोई दिक्कत है। अब ये मान लो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो जरा बताओ इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स दो फंक्शन है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये यू हो गया हमारा और ये भी हो गया हमारा,
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो डिफरेंशिएशन करके लिख दिए साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस अब जो भी था साइन एक्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। बात समझे कि नहीं समझे, मतलब एक बार एक फंक्शन को करना है, अगली बार दूसरी फंक्शन को करना है, एक जो फंक्शन को करोगे उसके बाद वाला फंक्शन को एज इट इज लिखना पड़ता है। अब तो ये हो गया प्रोडक्ट में, अब डिवाइड वाला भी सीख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाई भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब दो फंक्शन का डिवाइड हो, मतलब कह सकते हो कि एफ एक्स एक फंक्शन हो और एक जी एक्स फंक्शन हो, इसको डिफरेंशिएट करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, तो जो भी है ना भी उसको नीचे लिख देंगे स्क्वायर के फॉर्म में, भी स्क्वायर, और यू बाई भी लिखते हो तो पहले कौन मिलता है, यू मिलता है कि भी, यू मिलता है ना, याद रखने का तरीका है, याद तो करना ही पड़ेगा, तो यू मिलता है तो सबसे पहले यू को डिफरेंशिएट कर दो डी यू बाई डी एक्स, और बचा भी तो भी को एज इट इज, फिर माइनस लिखते हैं, अब भी को डिफरेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एक्स, और किसको एज इट इज बाहर रखेंगे, यू को, लेकिन इसमें एक चीज हो जाता है, नीचे भी स्क्वायर, पहले ही सबसे पहले ही डिफरेंशिएशन करने से पहले ही जो भी नीचे आएगा वो भी स्क्वायर लिख देंगे, आप फिर देखेंगे कि डी यू बाई डी एक्स में पहले कौन मिला, यू मिला, तो यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में भी एज इट इज बाहर, फिर माइनस होता है प्लस नहीं होता है, और फिर भी मिला तो डी वी बाई डी एक्स इंटू यू, इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखना जरूरी है, बच्चा अगर यहाँ पे भी का डिफरेंशिएशन पहले कर देता है आ यू को एज इट इज बाहर कर देता है तो एक माइनस का अंतर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अगर वो पहले ही भी को डिफरेंशिएट कर दे और यू को बाहर रख दे तो एज इट इज दिक्कत हो जाएगा ना, पहले किसको करना है, ऊपर वाले को, यू को करना है, तो ये प्लस वाले फार्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मानो किसी को यू मानो, लेकिन डिवाइड वाला फार्मूला में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन पहले होता है और नीचे का स्क्वायर नीचे, समझ गए बात को, बोलो। अब एक क्वेश्चन भी बना लो, जैसे मान लो साइन एक्स है और बाई एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे फंक्शन दिया है भी उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या लिख देंगे, या एक काम करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, या एक चीज़ प्रूफ भी हो जाएगा, एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, कॉस एक्स लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्या ये टेन एक्स लिखा हुआ है, बोलो, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तुम प्रूफ करके आए हुए हो, अभी प्रूफ माने याद किए हुए हो क्या, कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, देख लो कॉपी उठा के, सेक स्क्वायर एक्स आता है, अब इससे करके देखते हैं फार्मूला से, यू बाई भी से, तो यू बाई भी बोलता है कि सबसे पहले जो भी है उसको स्क्वायर करके नीचे लिख दो, तो कॉस है तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, लिख दिए, उसके बाद u बाई भी में क्या होता है कि जो u होता है u ऊपर वाला उसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, करके लिख दे कि लिख दें, एक बार करके लिख देते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन किए हो तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और भी एज इट इज बाहर, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज बाहर, तो कॉस एक्स एडिसी बाहर होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब जरा आप हमें बताओ कि बीच में माइनस आएगा कि प्लस, बीच में माइनस आएगा, और फिर जो नीचे रहता है भी उसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये फार्मूला में माइनस है, एक डिफरेंशिएशन में माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा तो प्लस हो जाएगा, वो इनटू कौन एज इट इज बाहर रहेगा, तो यू बाहर रहेगा, यू मतलब ऊपर वाला, ये यू है, ये साइन एक्स एज इट इज बाहर रहेगा,
क्या ये बात समझ में आया? बोलो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अभी अभी पढ़े हुए हैं ना, वन होता है। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन ही ना होता है। अब वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, प्रूफ हो गया। तो ये हम ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए तुमको, मतलब अब डिफरेंशिएशन में कुछ बाकी नहीं है, बस क्वेश्चन करना है और चैन रूल का प्रूफ देना है, वो अगले क्लास में कर लेंगे। लेकिन आपको होमवर्क है, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। आप एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा कोई भी बुक बना सकते हैं, बना लीजिएगा। थैंक यू।